नमस्कार दोस्तों, भारत में काफ़ी लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं और अगर आपने कभी एंड्रॉयड फ़ोन्स को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट करने की कोशिश की हो और आपको ये एरर मैसेज मिला हो, द चार्जर इज़ नॉट कनेक्टेड, आपका फ़ोन कनेक्ट होता है और फिर डिसकनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होता है और फिर डिसकनेक्ट हो जाता है। ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि आपका जो USB पोर्ट है कंप्यूटर का या लैपटॉप का, वो आपके मोबाइल फ़ोन को पावर नहीं दे पा रहा है। हो सकता है कि आपने USB हब यूज़ किया हो और मल्टीपल डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर रहे हो और कभी कभार तो USB पोर्ट जो डेस्कटॉप के आगे है वो भी काम नहीं करता है। अगर USB पोर्ट काम नहीं कर रहा है तो आप डेस्कटॉप के पिछले वाले भाग के USB पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अब किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है और मैं USB ऑप्शंस भी यूज़ कर सक रहा हूँ। अगर आपने कभी ऐसा प्रॉब्लम फेस किया हो तो बड़ा आसान सा तरीका है, आपके USB पोर्ट को चेंज कीजिए, दूसरा USB पोर्ट यूज़ कीजिए और अपने स्मार्टफोन को उसके साथ में कनेक्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने डेस्कटॉप के पिछले वाले USB पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा फ़ोन बड़ी आसानी से काम कर रहा है। मैं ये चार्जिंग भी हो रहा है और मैं चाहूँ तो फाइल ट्रांसफ़र मोड में भी जा सकता हूँ, लेकिन जब मैं यही स्मार्टफोन को आगे वाले USB पोर्ट या उस USB पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जहाँ पर ऑलरेडी हब कनेक्टेड है, तो ये स्मार्टफोन कनेक्ट और डिसकनेक्ट होते जाता है।